नमस्कार। सीबीआई की अंदरूनी जंग का दायरा बढ़ गया है। आज ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गया। राकेश अस्थाना अपने ऊपर 15 अक्टूबर को की गई एफआईआर के विरोध में हाई कोर्ट पहुंचे। वहां राकेश अस्थाना ने कहा कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है, आरोप फर्जी है। सुनवाई के दौरान सीबीआई का कहना था कि जांच की आड़ में वो एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। बहरहाल हाईकोर्ट ने स्टेटस को या यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। कोई स्टे भी नहीं दिया है, लेकिन राकेश अस्थाना को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक उनके अरेस्ट पर रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई 29 अक्टूबर सोमवार को होगी। उधर एनडीटीवी को सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार अस्थाना का जो मामला है कुछ अजीब सा है, क्योंकि जिन धाराओं में उन पर एफआईआर हुई है वो अब है ही नहीं, यानी पुराने कानून का इस्तेमाल किया गया है। एनडीटीवी को मिली ये अहम खामी है जिसे हम सामने रख रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक कानून के सेक्शन 13(1) का इस्तेमाल किया गया है। सेक्शन 13(1) जुलाई 2018 में ही खत्म हुई धारा फायदे के लिए ओहदे के इस्तेमाल से जुड़ी हुई है। संशोधित कानून में ये वाला हिस्सा नहीं है। नए कानून में पहले मंजूरी लेने का प्रावधान है, तो इस मामले में पहले मंजूरी नहीं ली गई। अस्थाना के खिलाफ मामला टिकने के आसार कम है, ये विशेषज्ञों का कहना है। तो उधर पटियाला हाउस कोर्ट में अस्थाना के जो सहयोगी हैं देवेंद्र कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी हुई थी। वो मोइन कुरैशी मामले की जांच भी कर रहे थे और राकेश अस्थाना की टीम में थे। सीबीआई ने उन पर फर्जी सबूतों और घूस लेने का आरोप लगाया है और 10 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने सिर्फ 7 दिन की रिमांड दी है। तो इस बीच जो पत्र राकेश अस्थाना ने सीवीसी को लिखे उनकी कुछ जानकारियां भी सामने आ गई। सीबीआई चीफ आलोक वर्मा पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों के अलावा एक और अधिकारी का नाम इनमें है जो राकेश अस्थाना ने लिया है। सीबीआई ज्वाइंट डायरेक्टर एके शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो परिवार के साथ शेल कंपनियां चलाते थे। तो राकेश अस्थाना ने ये चिट्ठियां 14, 20 और 26 तारीख को लिखी थी। कांग्रेस ने सीबीआई में चल रही इस जंग पर केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं। कहा है कि सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल की कोशिश इस पूरी समस्या की जड़ है। भारत की प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों के हालात के लिए केवल प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। आइए सुनते हैं कांग्रेस के बयान को। आज जब पूरा देश ये चाहता है कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जो सीबीआई के आला अधिकारियों वे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के आला अधिकारियों पर लगे हैं, उनकी निष्पक्ष जांच हो, उसका पटाक्षेप हो, तो प्रधानमंत्री गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से उस तफ्तीश में दखलअंदाजी कर रहे हैं। तो क्या सीवीसी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए? सवाल लगातार उठ रहा है। और कैसे सीबीआई की जो अंदरूनी जंग है थमेगी, आज यही हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान आपको बता दें, अजय कुमार नेता कांग्रेस, अमिताभ सिन्हा बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं और साथ ही मेरी सहयोगी नीता शर्मा जो इस लगातार मामले में नज़र बनाए हुए हैं। पहले मैं नीता आप ही के पास आऊँगी। और आज इस तरह से देखा कि ये पूरा मामला कोर्ट्स पहुँच गया है। राकेश अस्थाना को कुछ राहत माने मिली है कि फॉरन अरेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आज दोनों पक्षों को तोलें आप कल के बाद आज को, कैसे आकलन करेंगी, कहां पहुंचे हैं दोनों पक्ष, कौन मजबूत दिख रहा है? निधि, आज ये जो लड़ाई है ये दो कोर्ट्स में लड़ी गई, एक पटियाला हाउस कोर्ट में और एक दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में राकेश अस्थाना को कुछ हद तक रिलीफ जरूर मिला है, क्योंकि उन्हें इस बात का शक था कि देवेंद्र कुमार के बाद सीबीआई उन्हें भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अब उन्हें सीबीआई ने स्टेटस को मेंटेन करने को कहा है अगले सोमवार तक। सीबीआई अब ये तर्क दे रही है कि उनको हम उनका क्वेश्चनिंग तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही उनके घर में सर्चेस कंडक्ट कर सकते हैं।
सकते हैं। तो और मंडे को जब हियरिंग होगी तो क्वैशिंग ऑफ एफआईआर को लेकर जो है वो सुनवाई होगी, क्योंकि मिस्टर राकेश अस्थाना का यह तर्क है जो एफआईआर दर्ज की गई है वे बेबुनियादी है, जिन सबूतों पर उसे आधारित किया गया है वो सबूत जो है वो कानूनी लिहाज से सही नहीं है। जैसे कि आपने पढ़ा कि जो सेक्शन 13(1)(d) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है, उसमें जो नया संविधान है 17 जो क्लॉज जोड़ा गया है एक न्यू अमेंडमेंट के तहत, उसके तहत जब भी किसी ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ ऑफिसर के सीनियर अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करना होता है तो सरकार से अनुमति लेनी होती है। हालांकि सीबीआई का यह तर्क है, सीबीआई कह रही है क्योंकि ये मामला जो है वो ये ब्राइबरी का है और उस कानून के तहत पॉलिसी मैटर्स को लेकर ही जो अगर मामला दर्ज किया जाता है तो सरकार से मंजूरी लेनी होती है। तो कुछ हद तक रिलीफ जो है राकेश अस्थाना को मिला, लेकिन जो लोअर कोर्ट है वहां पे देवेंद्र कुमार की कस्टडी सीबीआई ने 10 दिन मांगी थी लेकिन 7 दिन दी गई है। साथ में सीबीआई ने एक बहुत बड़ी बात कही है दोनों कोर्ट्स में, उनका यह कहना है कि सीबीआई हेडक्वार्टर्स में इन द गार्ब ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक्सटॉर्शन चल रहा था, ये उन्होंने आरोप लगाया है मिस्टर देवेंद्र कुमार पर और यही प्ली उन्होंने हाईकोर्ट में भी ली है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एफआईआर है उसमें वो एक्सटॉर्शन के सेक्शंस भी जो है वो एड करेंगे। तो एक बड़ी बात यह है कि सीबीआई खुद मान रही है कि उसका जो सीबीआई हेडक्वार्टर है उसमें उसके खुद के स्पेशल डायरेक्टर, उसके खुद के डीवाईएसपी एक्सटॉर्शन रैकेट जो है वो चला रहे थे और इतने बड़े बड़े केसेस जो है वो ये टीम जो है इन्वेस्टिगेट कर रही थी। ये वाला मामला तो सिर्फ मोइन कुरैशी का मामला है, मिस्टर अस्थाना के पास अगस्ता वेस्टलैंड के भी केसेस हैं, विजय माल्या के भी केसेस हैं और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो उन सब केसेस में एक क्वेश्चन मार्क उनकी इन्वेस्टिगेशन पे जरूर लग गया, क्योंकि अगर सीबीआई खुद कह रही है कि अगर एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा था, अगर एक केस में चल रहा था तो दूसरे केस में भी चल सकता है, तो इसका खामियाजा जो है आने वाले दिनों में बड़े केसेस में भी भुगतने को दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि विजय माल्या का जो केस है वो लास्ट लेग पर है एक्सट्रेडिशन की। विजय माल्या ऑलरेडी पहले भी ये प्ली ले चुके हैं कि जो मिस्टर अस्थाना है वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे थे, अब सीबीआई ने खुद कोर्ट में ये प्ली लिया है तो ये वाला जो एक स्टांस है वो हमें लंदन के कोर्ट में भी दिखाई पड़ेगा आने वाले दिनों में। तुम्हारे साथ अजय कुमार भी हैं, अमिताभ सिन्हा बीजेपी से हैं। अमिताभ सिन्हा, आपसे सवाल आज ये जानना चाहेंगे कि जो सीबीआई है जिस तरह से आज वो कह रहे कि एक्सटॉर्शन रैकेट वहां पे चल रहा था, 4.5 साल हो गए सरकार को, क्या सरकार को बिल्कुल सुध नहीं थी कि जो हमारी टॉप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके अंदर इस तरह की स्थितियां थी? सबसे पहली चीज़ तो निधि जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये घटनाएं घटनी है बहुत ही दुर्भाग्यजनक हैं और जो जो ये कांग्रेस और राहुल गांधी की लगातार की मंशा है कि संवैधानिक संस्थाओं का ध्वस्तीकरण हो, पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाए, ये मुझे लगता है ये इसकी एक अगली कड़ी है। ये इन्होंने लगातार सीबीआई को पहले तो तोता बोला, पैरट बोला, दूसरी वो अगली बार इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर में इन्होंने कह दिया कि उसके ऊपर में इम्पीचमेंट किया जाए, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर में उंगली उठाते हैं, ये सीएजी पे उंगली उठाते हैं। तो राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस जो है वो निहायत ही गैर जिम्मेदार और निरंकुश और एक तरह से मैं चाहूँ तो एक पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड पॉलिटिकल पार्टी है। अजय आलोक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस आज ये कह रही है कि इस पूरी एजेंसी की स्वायत्तता समाप्त करने की कोशिश की जा रही है, इसको सरकार इन्फ्लुएंस कर रही है, यह आरोप तो कांग्रेस भी पहले झेल चुकी है, आपको याद होगा। देखिए निधि जी, पहले तो आपने मुझे अजय आलोक कहा, वो तो जेडीयू के हैं और भाजपा के एक माफी चाहती हूँ करूंगा कि वो जेडीयू से थोड़ा सा जो हम लोग को अलग नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली ठीक है। दूसरी बात निधि जी, एक चीज याद रखिएगा कि जो जिस तरह से एक सुनियोजित तरीके से इस देश के जो है राजनीतिक नेतृत्व जो है, सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो, सीबीडीटी हो, इनकम टैक्स, सीबीडीटी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आप देख लीजिएगा कि मोदी जी और ये जो ये देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस, ये जो पागलपन में जो है एक तरीका है। आपने अगर पूरी मामला को अगर देख लीजिएगा 2014 में क्या हुआ था, एक आर के दत्ता साहब को जो है
वो जो स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई थे उनको डायरेक्टर बनना था, उनको हटा करके फिर मोदी जी ने सुनिश्चित कर दिया था कि, और अमित शाह जी ने, बीजेपी ने सुनिश्चित कर दिया था कि जो है अपने लोग को उस पद पर डाल दें। राकेश अस्थाना साहब आते हैं, राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा जी की जो लड़ाई है वो तो एक एक हिस्सा है, लेकिन आप देख लीजिएगा कि मेहुल चौकसी वाली इन्वेस्टिगेशन में, अगर आप मेहुल चौकसी वाले इन्वेस्टिगेशन में देख लीजिएगा, अगर आप विजय माल्या वाली जो है अनुसंधान में भी आप अगर आप देखेंगे, विजय माल्या वाले अनुसंधान में राकेश अस्थाना जी जाते हैं लंदन में और हाथ मिलाते हैं। इसका मतलब है कि पूरी तरह से जो सीबीआई का जो ब्रीफ है, जितने भी राजनीतिक जो ऐसे संबंध, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले जो उद्योगपति हैं, उनको किस तरह से छूट देने की जो षड्यंत्र रची जा रही है उस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई के और रॉ के जो है, जो रॉ के जो निदेशक दोनों को बुलाए थे, रॉ के सचिव और सीबीआई के डायरेक्टर को जो है निदेशक को बुलाए थे, किस कारण से प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं? क्या उन्होंने जो है अनुसंधान में हस्तक्षेप करने का कोशिश नहीं कोशिश कर रहे थे? अजय जी, जो ये सवाल, जो ये आरोप आज कांग्रेस ने लगाया है, ये जो आरोप कांग्रेस ने आज लगाया है कि प्रधानमंत्री ने शीर्ष संस्थाओं के जो प्रमुख हैं उनको कल अपने आवास पे बुलाया, उनसे बात की। नीता, मैं आपसे क्लैरिफिकेशन जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री ने क्यों इन बड़े अधिकारियों को अपने ऑफिस, अपने निवास पे बुलाया? कांग्रेस का आरोप है कि उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, आपको क्या जानकारी मिली इस बारे में? निधि, जहां तक इन दोनों को बुलाने का सवाल है, द प्राइम मिनिस्टर इज विद इन हिज राइट्स, बिकॉज ये दोनों ही एजेंसीज ऐसी हैं, चाहे सीबीआई हो, चाहे आरएनडब्ल्यू हो, ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को ही रिपोर्ट करती हैं, तो पीएम उनको बुला सकते हैं। लेकिन जहां तक ये इस मामले का सवाल है, क्योंकि इस मामले में आरएनडब्ल्यू के एक अफसर का भी नाम सामने आया है, मिस्टर सामंत गोयल, जो 1984 बैच के पंजाब काडर के ऑफिसर हैं, वो उनके ऊपर भी सीरियस एलिगेशंस लगे हैं। सो प्राइम मिनिस्टर विद इन हिज राइट्स है अगर वो उनसे पूछते हैं, लेकिन कल की मुलाकात के बारे में सीबीआई का कहना है कि कल कोई मुलाकात नहीं हुई, कल मैं सीबीआई मुख्यालय में सारा दिन थी, दोनों ही डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर और साथ में डायरेक्टर, वो वहीं पर थे, सीबीआई मुख्यालय में ही थे। लेकिन अगर मिले भी हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, कि अगर प्रधानमंत्री जो है वो बुला नहीं सकते, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अजय जी, एक सवाल, क्योंकि अमिताभ जी के पास जाने में थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम था, लेकिन आपको भी याद होगा कांग्रेस के समय में कांग्रेस पर आरोप लगे थे कि जो बोफोर्स मामले में क्वतरोकी को क्लीन चिट दे दी गई थी, जगदीश टाइटर को क्लीन चिट दे दी गई थी, तो इस तरह के आरोप तो आपके समय में भी लगे थे और विपक्ष ने आप लोगों पर भी आरोप लगाए थे। अजय, आप कहिए, फिर मैं अमिताभ सिन्हा के पास जा रही हूं। जी नहीं, देखिए एक चीज है कि निधि जी, पहली बात है कि कांग्रेस ने कभी इस तरह से हस्तक्षेप, आप जो पब्लिक डोमेन में जो बातें हैं, आप बताइएगा कि लगातार जो सीबीआई के, कभी आपने ये बात सुना है कि सीबीआई ने सीबीआई पर रेप किया, कभी एफआईआर हुआ है, लगातार पैसे के आरोप, पहले एक चीज था सीबीआई में कि जो भी पदाधिकारी आते थे उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, अब लगातार जो है इसका मतलब है कि सीबीआई में जो है अब आप भ्रष्ट पदाधिकारी को पदस्थापित कर रहे हैं, और भ्रष्ट पदाधिकारी को किस कारण से पदस्थापित करें, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व तो उनको जो है वह नाम दे रहे हैं किस किस पदाधिकारी को क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए, तो लगत अगर आप सीबीडीटी का सामने आ रही है, ये लोग बोलते कि संविधान जलाओ, अमिताभ जी जो है बोलते कि नहीं, अमिताभ जी बोलते कि संविधानिक संस्थानों को बर्बाद करने का तो इनका हाथ है, ये तो संविधान को जलाने के चक्कर में है इनके जो प्रदेश अध्यक्ष। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अमिताभ सिन्हा, अगर आप मुझे अब सुन पा रहे हैं, ये जो स्थिति सीबीआई की आ गई है, कहा यह जा रहा है सरकार को प्रोएक्टिवली इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए था, और इन अधिकारियों को जो आपस में ऐसा लड़ रहे हैं उन पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, और कल से ये बातें सामने आ रही हैं, सीबीआई के सारे एक्स अधिकारी ये बोल रहे हैं, क्यों सरकार कदम नहीं उठा रही है इसमें? देखिए, ये सारी चीजें बहुत दुर्भाग्यजनक हैं, और इसके लिए सरकार ने, खुद पीएम ने, प्रधानमंत्री जी ने इसका कॉग्निजेंस लिया है, संज्ञान लिया है, पीएमओ में उनको बुलाया गया है, ऐसी चीजों की घटना पुनरावृत्ति ना हो, इसकी चिंता पीएमओ भी कर रहा है और पर्सनल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री जो है जो कि सीबीआई को देखती है वो भी कर रही है। लेकिन इसमें कुछ बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, इसका बैकग्राउंड ये है, सबसे पहली चीज़ तो ये, इसका सबसे बड़ा बैकग्राउंड ये है कि ये इन लोगों के बीच में जो ब्यूरोक्रेसी जो होती है, नौकरशाही है, उसके आपसी प्रॉब्लम्स हैं,
और उन प्रॉब्लम्स का एक कल्मिनेशन है। देखिए, राकेश अस्थाना जी बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज को हैंडल कर रहे हैं, जिसमें चिदंबरम के खिलाफ केस है, लालू यादव जी के खिलाफ केस है, इसमें दर्जनों नाम, आपके भी रिपोर्टर ने ये बातें कही हैं। अब उन चीजों पे सेंसिटिव होने के कारण उनको मेलाइन करने की कोशिश यदि किन्हीं फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में की जा रही है, तो ये वाकई में एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर में अटैक है। और तो इंस्टीट्यूशन पर अटैक है, और बहुत अहम बात अमिताभ सिन्हा कह रहे थे कि ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर की अपनी लड़ाई है। लेकिन क्या, मैं इंतजार करूंगी अमिताभ सिन्हा को मिले, लेकिन नीता, क्या ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर की लड़ाई है? दो अधिकारियों के पीछे कौन कौन से पक्ष खड़े नजर आ रहे हैं सरकार के, कुछ संक्षेप में आप डिटेल्स दे सकते हैं? बैकिंग क्या मिल रही है इन ऑफिसर्स को, कौन कौन बैक कर? ये जो अगर लड़ाई है दो ब्यूरोक्रेट, जो दो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन दोनों की जो सिलेक्शन है, अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट ने ही सिलेक्शन किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही सिलेक्शन किया, प्रधानमंत्री कार्यालय से ही जो डिसीजंस हैं वो लिए गए हों, चाहे वो डायरेक्टर हों चाहे स्पेशल डायरेक्टर हों। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है गुजरात काडर के ऑफिसर्स बहुत जो हैं वो सीबीआई में भी इंडक्ट हुए हैं, एनआईए में भी इंडक्ट हुए हैं। इन ऑफिसर्स के ऊपर इतना प्रेशर बना रही है, गलत बयान मत करिए, मत करिए निधि जी, निधि जी लगातार जो कर जी, क्या क्या गलत बयान है सर जी? निधि जी, जी निधि जी, ये गलत बयानी है। सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट सिर्फ सरकार नहीं करती, उसके पीछे एक कमिटी होती है, और उस कमिटी में लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है, और बहुत एक बड़ी कंपनी कमिटी होती है, और उस कमिटी का एक निष्पक्ष अपॉइंटमेंट होता है। कैसे ये गैर जिम्मेदार बात कर रही है कि सरकार अपॉइंटमेंट करती है? और इसीलिए सीबीआई के बारे में ऐसी धारणाओं की वजह से आलोक वर्मा को जब लाया गया था, आलोक वर्मा को लाया गया था तो विरोध भी हुआ था, जो मिस्टर दत्ता आने वाले थे उनको हटाया गया था, और जो विपक्ष था मिस्टर हेगड़े, उन्होंने अपना कंसेंट नहीं दिया था शायद। अजय कुमार आप बताना चाहेंगे इसमें? जी जी, देखिए निधि जी, पहली बात यह कि अमिताभ जी को कुछ जानकारी देने की लेने की आवश्यकता है कि जो पदाधिकारी सीबीआई डायरेक्टर का जो सिलेक्शन तो अपने जगह पर है, जितने भी ऑफिसर जो आ रहे हैं आप लिस्ट खोल के निकालिए, सार्वजनिक कीजिए, गुजरात काडर के कौन कौन लोग आए हैं, स्पेशल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, चुने हुए पदाधिकारी को पहली बार जो सीबीआई के इतिहास में है कि आपने सीबीआई से नाम नहीं लिया है। सीबीआई पहले नाम भेज, सीबीआई के निदेशक पहले नाम भेजते थे, ये सार्वजनिक है, तो ये जरूर बताइएगा, सार्वजनिक कीजिए कौन कौन से पदाधिकारी आए सीबीआई में, अब जो है ज्वाइंट डायरेक्टर का नाम, एसपी का नाम, डीआईजी का नाम, आईजी का, और ये राजीव सिंह जो मेहुल चौकसी वाला जो है कान को जो अनुसंधान कर रहा है क्यों हटाया गया, नीना सिंह जो ज्वाइंट डायरेक्टर क्यों हटाया गया, क्या मेहुल चौकसी को बचाने के लिए? नहीं नहीं, गलत बात क्या है सर, ये तो सर आप बताइए ना क्या गलत है। मेहुल चौकसी को जो है वो राजीव सिंह जो उसका अनुसंधान करे तो उनको क्यों अपने वापस भेज दिया आपने? तो मेहुल चौकसी को बचाने तो बोल दीजिए सार्वजनिक रूप से कि मेहुल चौकसी जो है भारतीय जनता पार्टी, जवाब दीजिए फिर मुझे समाप्त करना है। धैर्य रखिए, मेरी बात समझिए, बिल्कुल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी है इनको तो बहुत मजा रहा है। जैसे दीवार फिल्म का डायलॉग था कि आज तो बहुत खुश होगे तुम, आज तो बहुत खुश होगे तुम, क्योंकि संवैधानिक संस्था जो है वो आज खतरे में है, आज अजय कुमार और कांग्रेस बहुत खुश होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ये दीवार फिल्म का डायलॉग यहाँ नहीं चलेगा, और इसके ऊपर में अजीत डोभाल जी को जिम्मा दिया गया है। अजीत डोभाल अजीत डोभाल जी जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनको इसका जिम्मा दे दिया गया है, और इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। सो धैर्य रखिए, मजा मत लूटिए, अभी एक संवैधानिक संस्था के व्यवस्था का प्रश्न है, और इसके ऊपर में यदि आप मजा ले रहे हैं तो देश आपको माफ नहीं करेगा। मैं तो बोल रहा हूं कि आप तो सभी जो है विजय माल्या से आपके पदाधिकारी गले लगा रहे हैं, हम सब इस बात से चिंतित थे, इस बात से चिंतित थे कि ये जो लड़ाई है कैसे थमेगी। और अमिताभ सिन्हा का कहना है कि अजीत डोभाल ने इस मामले को एक तरह से अपने हाथ में ले लिया है, और बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और हम सब जानते हैं कि इस समय वो हमारे देश के सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट हैं। तो इंतजार रहेगा कि ये जो सीबीआई की जो पूर्व गरिमा है वो लौटेगी, और जल्द से जल्द सरकार इस मामले में, जो ये पूरा विवाद सार्वजनिक तौर पर आ रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी ये एजेंसी हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है, तो बहुत ज़रूरी है
की जो ये दुर्गति हुई है इसकी वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं प्राइम टाइम में, और आज सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर जो सख्त दिशा निर्देश एक तरह से दिए हैं, कितने कारगर हैं और कितने जरूरी हैं, इस पे बात करेंगे। दिवाली पर पटाखे जलाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त संदेश दिया है। दिवाली पर पटाखे आप रात 8 से 10 बजे तक जलाएं, क्रिसमस पर 11:55 से लेकर 12:30 तक रात में ही जलाएं, और ये भी कम प्रदूषण करने वाले पटाखे ही जलाएं। अन्य की खरीद बिक्री पर एक तरह से रोक लगाती है और इसे लागू करने की जिम्मेदारी जो इलाके के SHO हैं उनकी होगी। अब सवाल ये कि ऐसे पटाखे क्या उपलब्ध भी हैं? जैसे बैन लगा था तो किस तरह का नुकसान आपको उससे हुआ था? जी, हमारी दुकानों पे ताले लग गए थे, हमने एक भी डब्बा पटाखे का नहीं बेचा। हाँ। हमें बहुत लॉस हुआ था, लेकिन इस साल खुला रहेगा तो वो लॉस कवर हो जाएगा हमारा। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर इस साल रोक नहीं लगाई तो व्यापारियों की बाछें खिल गई, पटाखों के शौकीन भी खुश हैं। बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने। किस तरह की परेशानी हुई थी? बच्चों को आदिबाजी नहीं फोड़ने को मिली। अच्छा, साल में एक त्योहार होता है वो भी ना मनाए, क्या करें फिर? ये भी आजकल चल रहा है कि धुआं पहले ही बहुत हो रहा है तो पटाखे कम फोड़ लो, ये सोचते हैं आप लोग? इससे पोल्यूशन रुक जाएगा, फैक्ट्रियां चल रही हैं उनको बैन करो ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश फिर भी दुकानदारों और ग्राहकों के लिए चेतावनी की घंटी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सिर्फ वही पटाखे चलेंगे जिनसे प्रदूषण कम होता हो, राख और धुआं 20% से कम हो, लड़ियों और एक साथ बंधे पटाखों पर पाबंदी रहेगी, पेसो पटाखों में रासायनिक तत्वों की मात्रा तय करेगा, पेसो के मानक पर खरे न उतरने वाले पटाखे बन गए हों तो वो भी नहीं बिकेंगे, पटाखे ऑनलाइन खरीदे बेचे नहीं जा सकेंगे, बिना लाइसेंस के पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे। यही नहीं, दिवाली, त्योहारों और शादी पर रात 8 से 10 तक ही 2 घंटे के लिए आतिशबाजी हो सकेगी। नए साल और क्रिसमस पर रात 11:55 से लेकर 12:30 बजे तक पटाखे चल सकेंगे। अंडर द इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी पुलिस है। जब आप लाइसेंस दे रहे हो तब आपको सोचना चाहिए, या तो आप सरकार से कहो भाई ये काम मुझे मत दो। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कई बार आपने देखा होगा कोर्ट में कहती है भाई ये काम हम नहीं कर सकते, खास करके एक्सप्लोजिव्स का काम हमने मना कर दिया था, हम नहीं कर सकते, पैसों करो, पैसों का काम है ये एक्सप्लोजिव्स का, हमने तो ठीक, लेकिन फिर भी कोर्ट के कहने पर हमने गाइडलाइंस दी हैं। पटाखों पर पूरी तरह पाबंदी से पहले सुप्रीम कोर्ट व्यापक शोध के नतीजों का इंतजार करेगा। पिछले कुछ सालों से हो ये रहा है कि जब भी दिवाली आती है तो एक बहस चल पड़ती है, वो ये कि पर्यावरण की सुरक्षा ज्यादा बड़ा मुद्दा है या फिर धार्मिक स्वतंत्रता, और व्यापारिक आजादी भी एक मुद्दा है। तो सुप्रीम कोर्ट इन तीनों के बीच में तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहा है और उसका ये ऑर्डर उसी की बानगी है। दिल्ली से आशीष भार्गव के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश को समझने के लिए हमारे साथ बालेंदु शेखर हैं, NGT के वकील, कुछ और समझाएंगे। बालेंदु, जो आज ये कोर्ट का फैसला आया है, पिछले साल के मुकाबले तुलना करें तो आप संतुष्ट हैं इस बार, कैसे आंकेंगे? देखिए, यह बात तो सत्य है कि जब पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए थे और उस आदेश के आलोक में जो कम पटाखे जले थे तो हर किसी ने महसूस किया था कि जो पॉल्यूशन लेवल था उस दिन का काफ़ी कम था। और दूसरी बात, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह पूरा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिनों से चल रहा है, 11/11/2017 के आदेश थे और वहाँ से लेकर लगातार अब तक उस पर सुनवाई चल रही है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो भी पटाखे से जुड़े हुए लोग थे, व्यापारी हों या जो बनाने वाले हों, हर किसी को पता था कि ये मुकदमा चल रहा है और ऐसे कोई आदेश आने की पूरी संभावना है और आएगी। और आज का जो आदेश है उस वो मैं एक तरह से कहूंगा कि ये एक तरह से प्रयोगात्मक आदेश मैं इसलिए बोलूंगा कि इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की बड़ी उस बात को ध्यान में रखा है कि 14 दिन तक लगातार मॉनिटरिंग होगी, दिवाली से 7 दिन पहले और दिवाली के 7 दिन बाद। कौन मॉनिटरिंग करेगा? मॉनिटरिंग करेगी जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और भी जो भी एजेंसियां हैं, हर किसी को वो हर 14 दिन की पूरी मॉनिटरिंग उनको रखनी पड़ेगी कि क्या पॉल्यूशन लेवल किस दिन क्या रहा, और उन तमाम जो मॉनिटरिंग के बाद जो रिजल्ट निकलेंगे उसके बाद ही कोई फाइनल कॉल लिया जा सकता है। क्योंकि यह जो आदेश
केस हैं ये अभी भी ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसमें यदि कुछ उस तरह के संकेत आते हैं, कुछ ऐसे फिगर्स आते हैं, तो इसमें रद्दबदल की अभी भी गुंजाइश है। लेकिन ये कहना कि ये आदेश बिल्कुल गलत हैं या हमारे धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाते हैं, ये इसलिए मैं इसमें सहमत इसलिए नहीं हूं कि ये हर किसी ने महसूस किया है कि पॉल्यूशन से हर कोई परेशान है। और हर किसी ने जब 2 साल पहले जब पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा था दिवाली के दिन, तो बड़ी जबरदस्त चर्चा हुई थी कि 4-5 दिन तक लगातार वही उसी तरह के धुंध रह गए थे और फिर बड़ी सारी कवायद हुई थी और बड़े और भी कारण मैं मानता हूं कि पॉल्यूशन के हैं, एनजीटी के आदेश थे, और भी बहुत सारे कारण थे, और उन तमाम कारणों के लिए जो सुझाव कोर्ट की तरफ से आए थे उसको भी कोशिश एजेंसियों ने की थी कि जमीन पे लाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी जो कि पटाखे को बैन करके शायद इस बार भी एक जो प्रयोग है शायद कुछ अच्छा रिजल्ट। बिल्कुल बालिंदु, हम अपने लगातार स्क्रीन पे कुछ ऐसे ग्राफिक्स दिखा रहे हैं कि जो रसायन जो केमिकल्स इनमें यूज होते हैं, जैसे बेरियम है उसकी हरी चमक होती है, और किस तरह से वो कौन सी बीमारी लेकर आते हैं। तो ये तमाम हम अपने दर्शकों के लिए दिखा रहे हैं कि पटाखे इस्तेमाल जब हम करते हैं और जो ये घातक केमिकल्स उसमें होते हैं उससे किस तरह से हमारी सेहत पर असर करता है। लेकिन बालिंदु, सवाल ये उठता है कि जो एक तरफ धर्म आ जाता है, जिस तरह से आपने सुना कि एक पिता कह रहा था हमने बच्चों को नहीं दे पाए, लेकिन दूसरी तरफ बच्चों की ही सेहत की बात होती है। तो अब इस बार के आप पूरा आपने बैन नहीं कराए, लेकिन कहा है कि एक ग्रीन आप पटाखे चलाइए और जो कम पोल्यूशन करते हो, तो एनजीटी क्या कहेगा कि कौन से होते हैं जिनको आप करें, क्योंकि जैसे लड़ी है उस पर तो टोटली बैन लगा दिया है। देखिए यहाँ पे जो भी हम चर्चा आज अभी कर रहे हैं, लेकिन इससे बहुत ही व्यापक चर्चा कोर्ट में चल रही है और कोर्ट के सामने हर पक्ष वहां पे मौजूद है, हर पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहा है। वहां पे मैन्युफैक्चरर भी है, वहां पे सरकार भी है, वहां पे एक्सपर्ट एजेंसियां भी है, हर कोई अपने तरफ से सजेशंस आ रहे हैं। तो यह जो आदेश हैं, जो पटाखे को लेकर जो संशय की स्थिति जो अभी बन रही है, जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, वो उतनी इसलिए मैं नहीं मानूंगा क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें पता है कि इस जो कॉन्फ़िगरेशन जिस जो दो कैटेगरी को बोला गया कि वो जो एमओएफ ने जो इंडिकेट किए थे वो पटाखे में नहीं होने चाहिए, जो फिलर्स जो पहले काफी पोल्यूशन, पिछले साल जिनका स्टॉक नहीं बिका होगा वो तो इस साल निकालेंगे ना, और एसएचओ को आपने जिम्मेदार ठहराया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कितना ध्यान रख पाएंगे, उनके लिए भी मुश्किल होगी। देखिए मुश्किल की बात तो जाहिर सी बात है, मुश्किल तो होगी ही होगी, क्योंकि कोई भी आदेश आते हैं और उसको जमीन पे उसको इंप्लीमेंट कराने में एजेंसियों को दिक्कत होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो दिक्कत जो दूसरी एजेंसियों के साथ होती है या हो सकती है, क्योंकि और भी मैं एजेंसियों की मुखालफत करता हूँ कोर्ट में, तो जब तक आपके पास इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं विवश हो जाते हैं और ले दे के आप फिर रिलाई पुलिस पे ही करते हैं, क्योंकि उनके पास जो इन्फोर्सिंग एजेंसी है, उनके पास जो पावर है, उसके थ्रू ही किसी भी ऑर्डर को आप इंप्लीमेंट करते हैं। तो यदि इस आदेश में यदि एसएचओ को बोला गया है, तो मैं समझता हूं कि आदेश को इंप्लीमेंट करने में काफी हद तक हम कामयाब होंगे। बिल्कुल, तो आप आए, आपने हमें ये जानकारियां दी हैं, तमाम जानकारियां दी हैं, और वाकई में देखना होगा कि ये जो 14 दिनों की बात है ये पूरे देश भर में लागू होंगी, और दीपावली आ रही है उसको मनाना भी चाहिए, लेकिन पटाखों का इस्तेमाल आप जरा सोच समझ के करें, कम करें, तो बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा ही रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, उसके बाद राजस्थान से खबर आपको दिखाएंगे किस तरह से जीका से वहाँ पर 100 लोग प्रभावित हुए हैं, क्या जमीनी स्थिति है, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो राजस्थान में जीका जो बीमारी है उससे लोग काफ़ी परेशान हैं, यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं। सरकार का कहना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, 111 लोग जो हैं अपना इलाज कराकर ठीक हो चुके हैं, लेकिन 14 मरीज हैं, उनकी स्थिति पर खास नज़र रखी जा रही है। देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। 330 मेडिकल टीमें जयपुर के 1.5 लाख घरों का सर्वे कर चुकी हैं। हर टैंक, हर बाल्टी, हर पतीले में जाके देख रहे हैं कि क्या यहाँ मच्छर तो नहीं पनप रहे। आपकी ये जो टंकी है ना, इनके अंदर ऑफिस लारा पैदा हुआ है, आप इनको ढक के रखिए, इनको पानी खाली कर देना, ये पानी आपको खाली करना है और टंकी ऑफिस साफ करनी है अच्छे से। लेकिन जीका का खौफ इतना फैला हुआ है कि लोग इन मेडिकल टीमों को रोक के चेकअप करवा लेते हैं।
अगर किसी को वायरल फीवर होता है आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, कोई जीका टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है, इसको ऑर्डिनरी इन्फेक्शन की तरह ट्रीट करें, इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और अधिकतर लोगों में तो ये सिम्टोमेटिक होता है। लेकिन वैज्ञानिक अभी तक ये बता नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार जीका पहुंचा कैसे। जयपुर का पहला केस 82 साल की शकुंतला देवी का है जो कभी जयपुर से बाहर नहीं गई है और ना ही उनके परिवार के कोई लोग किसी प्रदेश में काम करते हैं। जब वो सरकारी अस्पताल गई तो उनकी उम्र और लक्षण को देखते हुए डॉक्टर्स ने डेंगू और जीका का टेस्ट करवाया। ये एक शोध का हिस्सा था जहां SMS मेडिकल कॉलेज में जीका और डेंगू पे 2013 से डॉक्टर्स शोध कर रहे थे। डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं पे कितना असर पड़ेगा ये अभी शोध का विषय रहेगा, क्योंकि कुछ देशों में जिन महिलाओं को जीका हुआ है उन्होंने छोटे सर वाले बच्चों को जन्म दिया है। जीका का सबसे ज्यादा खतरा गर्भवती महिलाओं को है और जो 25 केस पॉजिटिव सामने आए हैं डॉक्टर्स उनकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि ये कोई बताने की स्थिति में नहीं है कि उनके बच्चों पर जीका का असर पड़ेगा या नहीं, ये फिलहाल शोध का विषय रहेगा। जहां तक दूसरे लोगों का सवाल है, 125 केस में से 111 लोग जिन्हें जीका हुआ था वो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जयपुर से कैमरामैन शमशु जोहा के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। और इस खबर के साथ आज के लिए इतना ही, नमस्कार।